نحمده ونسلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزير من أهلي اللهم فكهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافيا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ثم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله آج ہماری كآغاز निशिष्टों में आज हम पहली निशिष्ट में कुछ बहुत ही अहम और इम्पॉटेंट टॉपिक्स पर बात करूंगी मैं अल्लाह के करम और अल्लाह के फजल से लेकिन अपनी बात करने से पहले मैं अपने दिल में जो जज्बात हैं अपनी जमीयत तलबात की इन बच्चियों और अपनी इन बेटियों के हवाले से उनके बारे में मैं थोड़ा सा इजहार ख़्याल ज़रूर ही करना चाहूँगी खुशकस्मत हैं वो खुशकस्मत हैं वो इदारे खुशकस्मत हैं वो माहौल खुशकस्मत हैं वो घराने और सबसे बढ़ के ख़ुशकस्मत हैं वो वालदेन जिनकी बच्चियाँ तहरीकी सोच की हामिल जिनकी बच्चियाँ जमीयत में सरगरम अमल नज़र आती हैं ये वो ये वो बच्चियाँ हैं जो अल्लाह सुबहाना ताला के उस फरीज़ा दीन को जिसका अल्लाह ने कुरान में तस्करा किया कुम खैरा उम्मन उखर जतल नास तक मरु न बिलमारूफ बतान है निल तुम तुम वो बेहतरीन लोग हो अल्लाह सुबहाना ताला ने उमत सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम के एक एक फ़र्द को मुझे आपको हम सब को मुखातिब करके फ़रमाया है हम सब के सरों पर ऐसे जैसे ख़ैर इन बेहतरीन उम्मत का ताज रख दिया और फिर फ़रमाया कि तुम बेहतरीन उम्मत के अफराद हो तुम्हें तुम्हें अपनी ज़ात के लिए अपने लिबास अपने जोड़े अपने हेयर स्टाइल्स अपने ओढ़ना पहनना बनना सवरना सजना खाना पीना इसके लिए तो तुम्हें पैदा ही नहीं किया गया उखरजत नाज़ तुम्हें तो लोगों के लिए पैदा किया गया है तुम्हारी ज़िंदगी में तो कोई बड़े मकासद हैं तुम लोगों के लिए पैदा किए गए हो तुम माशरे में क्या करते हो तुम लोगों को बुराइयों से रोकते हो और भलाइयों का दरस देते हो तो ये वो मेरी बच्चियां हैं जो तहरीकी सोच की हामिल बच्चियां हैं जो माशरे के अंदर अमर बिलमारूफ और नहीं अनिल मुनकर का फरीज़ा सर अंजाम देने वालियाँ वो जो अल्लाह का हुक्म बल्मा उन ज़िला में रब्बिक कि जो जो बात तुम तक अल्लाह के अहकाम की दीन की क़ुरान की हदीस की पहुँच दी जाती है उसको लगन और तड़प से लोगों तक पहुँचा दो ये वो काम करने वाली मेरी खुश नसीब बेटियाँ ये वो बेटियाँ हैं कि जिनको ये लगन लग गई ये लॉ लग गई कि अल्लाह के रसूल सल्ला वसलम ने विदा के मौके पर हुक्म दे दिया था फलोबली ईबुल शाहिद के जो लोग हाजिर हैं वो ग़ायब लोगों को पहुँचा दें मेरी दिल से दिल की गहराइयों से मेरी दुआ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ जो आप इन, इन अल्फाज के बाद फरमाई थी और आपने हाथ उठा के दुआ की थी अल्ला तला शादाब और मशरूर रखना उसको जिसने मुझसे मेरी बात सुनी और उसको लोगों तक पहुँचा दिया इलाही मेरी इन मुतहरक बच्चियों के हक़ में नब ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआएँ कबूल फरमाना ये वो खुश नसीब बच्चियाँ जो मौलाना मदूदी रहा की वो विजन क़ुरान सन्नत की दावत को लेकर निकलो और पूरी दुनिया पर छा जाओ अपनी जवानी में आलम शबाब में वो वो ज़िंदगी का हिस्सा जिसमें शैतान के कितने वसव से दिलों को तड़पाते और सताते हैं और कैसी कैसी आर्ज़ू ये जब नफ्स की हालत में सिर्फ और सिर्फ अपनी ही इज्ज़त और आबरू नहीं अपने माशरे में खवा की बेटियों की ईमान इज्जत आबरू की हिफाजत के लिए मुतहरक हैं और सरगर्में अबल नज़र आती हैं मुबारक की मुबारक की लायक हैं ये मेरी बेटियां ये खुशनसीब बच्चियां जो खवा की बेटियों को अल्लाह की तलीमत अल्लाह के पैगाम अल्लाह की पहचान कराती हुई नज़र आती हैं अल्लाह सुबहान मताल ने कुरान में कसम खाई है ना हवाओं की अल्लाह ने क़ुरान में बदलियों की और हवाओं की कसम खाई है मैं जब भी इन इन कम सिन और इन आलिम शबाब की इन बच्चियों को भाग भाग के तहरीकी काम करते अल्लाह की सरज़मीन पर अल्लाह के दीन की हाकमियत के लिए काम करते हुए देखती हूँ तो मुझे सिर्फ़ इन पर रश ही नहीं आता मुझे हमेशा लगता है कि जैसे कि ये हवाएं हैं ये हवाओं है, के बड़े बड़े ही महक वाली ये हवाएं हैं और ये बड़े खुशबूदार झोंके हैं बद सबा के ये छोटी छोटी बच्चियाँ ये बदलियाँ हैं ये मेरी बेटियाँ ये ख़बाएँ हैं मेरी बदलियाँ मेरी बेटियाँ जो आज का माशरा ये माहौल यहाँ के इदारे यहाँ के स्कूल्स यहाँ के कॉलेज़ यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ यहाँ के गलियाँ कूचे गंदगी से कसाफतों से भरे पड़े हैं अट्टे पड़े हैं और ये बादे सभा का झोंका बनके माहौल की कसाफ़तों को बेहयाई को फ़हाशी को उर्यानी को बदकारीियों को जिनाकारीयों को चोरी छुपे की नहीं खुल्लम खुल्ला आशनाइयों को मखलूत महफिलों को नाच गाना मौसीकी आज के इस पुरफन दौर में दज्जाली दौर में जब शैतान और शैतान के चेले अपने जबड़े खोले अपने एलिगेटर खोले आज की मौजूदा नस्ल को हड़प करने और उनको समेटने और लुक तर बनाने के लिए मुंतजर है तो ये सरगर्मी अमल नजर आती हैं अपनी जवानी के ये साल वो जो पहला सवाल हमें पता चलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पांच सवाल हैं पांच सवाल हैं कि जिनका जवाब दिए बगैर कोई इब्ने आदम अपनी जगह से हिल नहीं सकेगा इनमें से पहला सवाल जवानी के साल में गुजारी ये उस सवाल का उस सवाल के जवाब की तैयारी करने वाली मेरी खुश नसीब बेटियाँ हैं ये वो हैं कि जिनके लिए अगर मैं कहूँ कि गर जवानी तोबा करदन शेवा पैगम्बरी ये तो वो खुशनसीब मेरी जवां साल आलम शबाब दीन की दावत के लिए दीन की सर बुलंदी के लिए कुरान की हिफाजत के लिए कुरान की अशात के लिए लगाने वाली मेरी ये मुतहरक सरगर अमल तहरीकी बच्चियाँ मैं कहती हूँ कि ये वो बच्चियाँ हैं कि जिनके के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था कि सात खुश नसीब लोग जो अल्लाह के अर्श के सए में जगह दिए जाएंगे उनमें से कुछ लोग कौन से हैं जवानी में इबादत करने वाले जवानी में इबादत करने वाले और दूसरे जवानी में बदकारी से बचने वाले के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया ये तो वो खुश नसीब मेरी बेटियाँ हैं मैं आप सबको आप सबसे बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा ये दरख्वास्त करूँगी कि इस तंजीम से जुड़ी रहिएगा इस तंजीम से जुड़ी रहिएगा वो जो कुरान ने फरमाया वह तसम बेहल की जमिया वल तफ़र एक हो जाओ एक हो जाओ जिसमें वाहिद बन जाओ एक सीसा पिलाई दीवार बुनियान मरसूस बन जाओ और अल्लाह की रस्सी को थामे रखो यही वो खुश नसीब आपकी बहनें हैं मेरी बेटियां हैं जो आपको अल्लाह के रस्सी का सिरा थमा रही हैं ये वो सिरा है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब शुरू खुश हो जाओ कुरान का एक सिरा तुम्हारे हाथ में और एक सिरा अल्लाह के हाथ में जब तक इसको थामे रखोगे रास्ता गुम नहीं करोगे तो ये वही सिरा है जो आपको थमाने वाली हैं जुड़ी रहिए है, जमे रहिए इस तकामत के साथ तहरीक के साथ जुड़ी रहिए क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जमात के साथ जुड़े रहो जमात के साथ जुड़े रहो क्यों क्योंकि भेड़िया रेवड़ से हटी हुई बकरी ही पर हमला करता है ये भेड़िया कौन है वह बदबक मजाउम मधूरा शैतवान रजीम है और वो बकरी कौन है वो एक मुसलमान है अगर वो इज्तमाही से कट जाता है तो वो शैतान का तरने वाला बन जाता है अल्लाह सुबहाना ताल हमें इज्तमी से जुड़ने और इस तकामत से जुड़ने की तोहफ़ी कता फरमाए ये टॉपिक्स जो सूरा नसा के हवाले से इन सेशंस के लिए मुंतखब किए गए हैं बहुत ही उम्दा और बेहतरीन टॉपिक्स भी हैं और आज के दौर की बहुत अहम ज़रूरत भी है कि आज सबको इनके हवाले से शरीयत का क्या तसवुर है और कुरान और हदीस की इन टॉपिक्स के बारे में क्या तलीमत हैं वो जानना बहुत ही इम्पोटेंट है और इन शब्तदाई टॉपिक्स में हम निकाह के हवाले से बात करेंगे लेकिन आज शुरू ही में मैं इस बात के लिए दुआ करती हूँ और आप सबसे भी कहूँगी दरख्वा करूँगी कि हाथ उठा के इस बात के लिए दुआ कर लीजिए कि अल्लाह इन नशस्तों में जो हम सुनेंगे सुनाएंगे सीखेंगे सिखाएंगे समझेंगे समझाएंगे अल्लाह सुबहाना हमें बग़ैर किसी शक के बग़ैर किसी डाउट और कन्फ्यूज़न के इन अहकाम इलाही को मानने की तोहफ़ी का ताफ़रमा और अल्लाह सुबहाना ताली बग़ैर किसी तरद के डिले के पोस्टपोनमेंट के सुस्ती के लोकाल के बहस और आ, किसी किस्म की डिबेट के इन अहकाम को मान कर इन पर अमल करने की तोफ़ीकता फ़रमा अल्लाह सुबहाना तै सब के लिए इन पर अमल आसान बना और अमल भी वो जिसे तो कबूल कर ले और अमल भी वो जिसमें दवाम हो हमेश की हो इस तकामत हो और अल्लाह हमें मरते दम तक इन अहकाम शरिया पर जमने की तोफ़ीकता फ़रमा मेरे साथ दुआ पढ़ें अला अरे नल्क हक़ उक नबा अल्लाह मरे नलबा तिलिलक नज तनाबा अल्लाह सुबहान हमें हक़ को हक़ समझने और फिर उसके इतबा और पैरवी की अता फरमा, अल्लाह हमें बातिल को बातिल समझने और फिर उससे इज्तिनाब और परहेज़ करने की अता फरमा। आमीन सुब आमीन हम अपनी इब्तई नशस्त में निकाह के टॉपिक से बात का आगाज़ करेंगे निकाह मेरी बेटियों हक्म खुदा बंदी है अल्लाह सुबहाना तैयार ने क़ुरान में फरमाया वन के होल अया मा मिन कुम कि जो तुम्हारे मुजरद हैं मुजरद कहते हैं वो लोग वो मर्द वो औरतें जिनका निकाह नहीं हुआ होता तो अल्लाह ने फरमाया कि जो तुम्हारे मुजरद हैं उनका निकाह कर दो गोया निकाह करना करवाना हुक्म खुदा बंदी है फरीजा दीन है डू है अल्लाह सुबहाना का और सिर्फ़ हुक्म खुदाबंदी और फरीज़ा दीन ही नहीं नबी मेहरुबा सल्लाम की सुनत मदा भी है हयात तयबा में हमें एक वाक़ बुखारी में जो तस्करा आता है उस वाक़े से हमें पता चलता है कि सहाबा क्राम के एक गरो ने आपस में मशवरा किया और उन्होंने तकवा और खौफ ख़ुदा और फ़िक्र आख़रत से आशना होकर बाहमी तौर पर यह फ़ैसला किया कि वो अब सारी रात जागा करेंगे और क़याम करेंगे वो लगातार रोज़े रखेंगे और वो औरतों से ताल्लुक़ नहीं रखेंगे यानी निका वगैरह भी नहीं करेंगे नबी सल्ह वसलम को जब इस बात का इल्म हुआ तो आपने फ़रमाया कि लोगों को क्या हो गया है कि खाने पीने ख्वा ख़ौर को अपने लिए हराम कर रहे हैं तुम देखो मैं रोज़े भी रखता हूँ और इफ्तार भी करता हूँ और मैं सोता भी हूँ और मैं जाता भी हूँ और मैंने निकाह भी कर रखे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया अन निकाह सुन्नती व मैर खबू सुन्नती फ़लई सा कि निकाह मेरी सुन्नत है और जो मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ेगा लई सा मन्ना वो हम में से नहीं है तो ये निकाह की अहमियत है कि वो फरीज़ा दीन है हुक्म खुदा बंदी है और वो नबी सल्लल्लाहु सल्ला वम की सुनत है। अल्लाह सुबहाना निकाह को फ़र्ज़ क्यों किया क्योंकि इस्लाम दीन फ़ितरत है और इस्लाम के सारे के सारे डूज़ और डोंट्स इंसान की फ़तरी ज़रूरतों हाजतों के मुताबिक वज़ा किए गए हैं अल्लाह हमारा खालिक है ना हमारा बनाने वाला हमारा करिएटर अहसनकिन खलाक द बेस्ट क्रिएटर है उसने इंसान को अशरफुलमखलूक़ात रकत खलकनल इंसान नफ़ी अहसनी तकवीम बेहतरीन साख पर सिर्फ़ बनाया ही नहीं है वो खालिक हमारे मिजाज से हमारी ज़रूरतों से हमारी हाजतों से हमारी इंटेंशन से और हमारी तमाम हर किस्म की रिक्वायरमेंट्स फ़िज़िकल सोशल साइकोलॉजिकल, इमोशनल हर किस्म की हाजतों और ज़रूरतों और डिज़ायर्स को जानता है और हमसे बेहतर जानता है इसीलिए उसने वो सारे अहकाम दे दिए जो हमारे लिए बेहतरीन और हमारे लिए ज़रूरी और अहम है ये बिल्कुल वैसे है कि जैसे मैं मिसाल देकर बस अवकात बात समझाया करती हूँ कि एक कंपनी जो किसी एक इलेक्ट्रिकल गैजेट को मैन्युफैक्चर करती है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ही उसके बारे में द बेस्ट फॉर्म ऑफ ऑपरेटिंग मैनुअल इशू कर सकती है ऐसे ही है ना मसा आप देखें कि अगर आप एक कोई इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक गैजेट लेकर आती हैं वॉशिंग मशीन लेकर आती हैं अवन लेकर आती हैं कोई माइक्रोवेव लेकर आती हैं तो अगर आपने एलजी का माइक्रोवेव लिया है तो आप ऑपरेटिंग मैनुअल नेशनल का नहीं इस्तेमाल करेंगी चाहे नेशनल कितनी भी बेहतरीन कंपनी क्यों ना हो लेकिन जब आपका माइक्रोवेव एल का है तो आप ऑपरेटिंग मैनुअल एल ही का इस्तेमाल करेंगी बिकॉज वो कंपनी वाले जानते हैं कि वो कितनी वोल्टेज पर चलेगा उसकी कितनी पावर है उसकी क्या हिफाजत के तरीके हैं उसको कैसे इस्तेमाल करना है उसको कैसे क्लीन करना है वो सारी ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो मैन्युफैक्चरर ही द बेस्ट फॉर्म में जानता है तो हमारा मैन्युफैक्चरर हमारा क्रिएटर अल्लाह है वो हमारी नस नस से वाकिफ़ है वो हमारी हत्यात हमारी साख्त हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कम्पोजिशन हमारे मिजाज हमारी ज़रूरतों हाजतों से हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से वाकिफ़ हैं। इसलिए हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी है हमें अपने मामलत अपने अखलाक अपने अपना सोना जागना खाना पीना क्या खाना क्या पीना क्या पहनना क्या ओढ़ना हमारे लिए बेहतर है वह सब हमारे लिए हमसे बेहतर जानता है और फिर ऑपरेटिंग मैनुल क़ुरान ही हमारे लिए बेहतरीन गाइड और बेहतरीन रह पर है उसने इंसान को बनाया और फिर उसने खुद कहा कि मैंने इंसान का जोड़ा बनाया और खलक फी जऊ जहा उसने इंसान को मुजक्कर और मेल और फ़ीमेल मर्द और, और औरत की शक्ल में बनाया अपोज़िट सेक्स में बनाया और इन अपोज़िट सेक्स में जिनसी अट्रैक्शन और एक सेक्शुअल अट्रैक्शन पैदा कर दी और उसका मकसद क्या था अल्लाह सुबह ने सबसे पहले हज़रत आदम को तो मट्टी से बनाया और मट्टी की के तख्ली के ज़रिए उसकी मट्टी के ज़रिए तख्ली के मुख्त मराहल का तस्करा कुरान में है लेकिन फिर उसके बाद अल्लाह सुबहाना तज़रत आदम और हज़रत हवा के जिसम में नॉर्मली एक ऑटोमेटिक रिप्रोडक्शन एक प्रोस्रिएशन

पूरे का पूरा एक तरीक़ाकार जो है वो इल्हाम कर दिया और उस ऑटोमेटिक रिप्रोडक्शन के सिस्टम को इवॉल्व करने के लिए जो अपोज़िट सेक्स है उसके लिए एक अट्रैक्शन रखी बिकॉज उस अपोज़िट सेक्स की अट्रैक्शन की वजह से ये मर्द और औरत और एक दूसरे की तरफ़ माइल होंगे और अपनी जिसमानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए जब वो ताल्लुक़ कायम करेंगे तो फिर नस्ल इंसानी का सिलसिला चलता रहेगा ये तो मकसद था ऑपोजिट सेक्स को बनाने और उनके दरमियान अट्रैक्शन पैदा करने का और वो एक फितरी जज्बा था वो एक नेचुरल इंस्टिंग की शक्ल में बना दिया ताकि वो एक दूसरे की तरफ रजू करें लेकिन फिर वो उस इंसान के माशरे को बनाने वाला उसको मालूम था कि इस जिनसी ख्वाहिश इस सेक्शुल डिज़ायर जो अट्रैक्शन की शक्ल में मौजूद है इसका एक जायज़ और हलाल तरीका निकाह के ज़रिए बनाना ज़रूरी है निकाह के ज़रिए जायज़ और हलाल रिश्ता अजवाज के ज़रिए वो वो जिस्मानी ताल्लक़ात के ज़रिए उस उन ख़्वाहिशात और उन जज्बात की तस्कीन ज़रूरी है क्योंकि अगर जिसमानी ख्वाहिशात की तस्कीन के लिए एक लगा बंदा हलाल तरीका वज़ा न किया जाता तो फिर इंसानों का माशा अशरफुलमखलूक़ात का माशा तो एक आज़ाद जानवरों का जंगल बन जाता ना ये जिनसी बे राह ये क्या करती ये जिनसी बे राह फितना फसाद करती और फिर मैं आपको बताऊं कि जानवरों में तो आज़ाद जिनसी तस्कीन इसलिए मुमकिन थी कि जो बच्चे पैदा होते हैं जानवरों के परिंदों के उनकी निगरानी उनकी निगहदाश्त तो तरबियत ज़रूरी नहीं लेकिन इंसान अशरफुलमखलूक़ात के बच्चे को वलादत के बाद पालना पोसना खिलाना पिलाना कि नहीं बल्कि इंसान बनाना है अशरफुलमखलूकत बनाना है उम्मत मोहम्मदी वसल्लम का फर्द बनाना है और ये ट्वेंटी फोर सेवन की ड्यूटी है तो इसलिए वालदेन को बच्चों को ओन अप करना उनकी जिम्मेदारी माँ बाप दोनों को लेना ये बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट था और उन इंसान के बच्चों के लिए घर की नर्सरी को तश्कील करना ज़रूरी था ये नन्ने नन्ने पौधे इंसानों के बच्चे एक उस घर की नर्सरी में जहाँ पर कफालत निगरानी मोहब्बत निगहदाश्त और तरबियत करने वाले माँ और बाप जो उनको एज़ चिल्ड्रन ओन अप करेंगे और ये सिर्फ़ आज़ाद आज़ाद जिनसी ख़्वाहिशात के ज़रिए नहीं ये निकाह के ज़रिए मुमकिन था इसलिए इसको हुक्म खुदाबंदी और फरीज़ाए दीन करार दिया गया इसीलिए इसको जायज और इसी के इसका हुक्म जो है उसको फर्ज बना दिया गया ताकि माशरे के अंदर एक जानवरों का माशरा एक हैवानों का माशरा ना बन जाए इंसानों का माशरा बन जाए और फिर अल्लाह सुबहाना ने निकाह के वक्त का तरीका भी बता दिया कि ये निकाह किस वक्त होना ज़रूरी है और उसकी शराय और उसकी हदूद और कैद भी बता दिए निका के लिए वक्त जो कुरान हदीस के ज़रिए हमें पता चलता है वो बलू का वक्त है और बलूख का वक्त क्यों मुकर किया गया निका के लिए और क्यों शरीय बाल होने के बाद निका को तरवीज दी जाती है कुरान हदीस के ज़रिए नबीलम के हयात तय्यबा के जो सारे नमूने हैं उनके ज़रिए बलूख़ पर निका को तरवीज दी जाती है और इसकी इसकी बहुत सी अदीस भी मौजूद हैं हजरत अली रज़ी को मुखातिब होकर नबी मेहरबान सल्ला वसम ने फरमाया था कि अली तीन बातों में तखिर ना करना यानी उनको पोस्टपोन ना करना नंबर वन फर्ज़ नमाज की अदायगी में जब उसका वक्त आ जाए दूसरा मैय के दफनानी में जब जनाजा तैयार हो जाए और तीसरा लड़की के निकाह में जब कुफ़ यानी बराबरी का हम पल्ला मैंटली सोशली साइकलॉजिकली जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हो सकती है दीन बहुत प्रैक्टिकल है वो जो बेजोड़ किस्म के रिश्ते हैं वो भी शरीयत का तस्वुर नहीं है जब लड़की के कुफ़ यानी बराबरी का रिश्ता मिल जाए तो बिला वजह की डिले और पोस्टपोन्मेंट पसंदीदा नहीं है शरीयत में इसी तरह आपली व्म की वो हदीस के बहुत अहम अल्फाज हैं कि आप सल्ह वम ने फरमाया कि एक लड़की जब बाल हो जाती है और उसके बावजूद उसका बाप उसका निकाह नहीं करता और वो बदकारी की मर्तकब होती है तो उस बदकारी का गुना उसके बाप की तरफ भी मुंतकिल होता है तो लिहाजा निकाह के लिए जो उम्र मुकर की गई है वो बलूह की उम्र है क्योंकि ये ये वही उम्र है जिसमें ये जिनसी ख्वाहिहिशात जो हैं वो उभरने लगती हैं और जो ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन जो है वो पैदा होने लगती है तो वो जो कहा जाता है ना कि निप ईवल इन द बड कि बिल्कुल शुरू ही में उस उस बाले हो जाने वाली बच्ची और बच्चे को एक जायज़ और हलाल ज़ोज निकाह के ज़रिए देकर उसको उसकी ज़िंदगी का महवर मरकज़ फोकस दे दिया जाता है ताकि वो हराम की तरफ रजू ना करे। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे माशरे में इसके बिल्कुल एक बरखिलाफ रवैया नज़र आता है और मैं आपको ये छोटी उम्र का निकाह जो है इसके हवाले से एक तो ये बता दूं कि यह निकाह जो है ये बदकारी से रोकने और ग़लत किस्म के शैतान के वसवसों से रोकने का ज़रिया बनता है और दूसरी बात मैं आपको बताऊं एक बहुत बड़ी हिकमत छोटी उम्र के निकाह में ये भी है कि निकाह के बाद जो रिश्ता अजवाज का वो जो बंधन बनता है और एक घर जो वो दोनों बच्चे उसके बाद तामीर करते हैं वो घर हमेशा ज़्यादा खुशहाल और पुरसकून और मुतमैन घराना तभी बनता है जब ये दोनों एक दूसरे के साथ अकोमोडेट करें गिव इन करें कॉम्प्रोमाइज़ करें रिकनसाइल करें और एडजस्ट कर लें और अकोमोडेट कर लें और ये वही कर सकता है जिसके मिजाज के अंदर एक फ्लैक्बिलिटी हो एक नरमी हो एक लचक हो और मेरा ख़्याल है आप सब मेरे साथ इस बात में एग्री करेंगी कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना तो मिजाज के अंदर एक पुख्तगी एक दरख्तगी एक हार्शनेस आ जाती है और लचक और फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो निकलती जाती है बिल्कुल एक शाख देखें ना दरख्त की जो एक बिल्कुल नरम और नाज़ुक शाख होती है वो तो बिल्कुल बेंड हो जाती है और उसको आप बिल्कुल बो की तरह कर्व कर लेते हैं लेकिन वो जो पुरानी शाखें हैं वो जो लकड़ी की तरह हो जाती हैं वो सख्त हो जाती हैं उनको आप बेंड करने लगे ना वो टूट जाती हैं लेकिन वो मूर्ति नहीं है उनके अंदर लचक नहीं होती तो यही मामला अजवाज का भी है अगर छोटी सी हल्की सी उम्र में बच्चियों का लड़कियों का लड़कों का निकाह हो जाता है तो एक बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है मिजाज में और उसकी वजह से वो गिव इन करके बहुत खुशी से उस अपने डिफ्रेंस माहौल में क्योंकि माहौल का तगैर और तब्दीली तो लाजिम है ना दो बहनों का घर एक जैसा नहीं होता तो जब हम दूसरे माहौल में दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ लाजिम है और ये कॉम्प्रोमाइज़ करना उस शख्स के लिए बहुत ज़्यादा आसान होती है जब वो उम्र में छोटी और भी इतनी पुख्ता आदतें नहीं होती हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से घर में सुकून आ जाता है लेकिन बड़ी उम्र में एक स्टबरनेस आती एक आ जाती है और एक जिद और डिटाई और एक बेवजह की खुद इतमादी और तकबर जो है ना और आदतों का पुख्ता होना जो है जिसकी वजह से उनका बदलना मुश्किल हो जाता है ये घरों में बेसकूनी का जरिया बनता है मैं आपको बताऊँ कि अल्लाह सुबहाना वत जो भी एहकाम देते हैं ना कुरान और हदीस के जरिए वो हमतों से भरे हुए होते हैं अल्लाह हकीम है अल्लाम है उसके उस उसम अल के अहकाम में हमत ज़रूर होती है हमें बस अवकात अपने नाकसु नक़ल होने की वजह से उनकी हिमतें समझ नहीं आती लेकिन अल्लाह का कोई हुक्म ऐसा नहीं है कि जिसमें हमत ना हो छोटी उम्र में निकाह और बलूक के बाद निकाह ये हमारे माशे को ये हुक्म जो है ना वो हजम ही नहीं होता हमें इनकी हमतें समझ नहीं आती और उसके जरिए उसके उसके अमल ना करने की वजह से पैदा होने वाली कबाहतों पे हम पर्दे डालते हैं और हमें नजर आ रहा है माशे के अंदर जो बेहयाियाँ हैं जो फितना है जो फसाद है ये सब इसी वजह से और हम देखें तो हमारे माशरे के अंदर बड़ी तखीर से निकाह करने के तरीके बच्चियों को पढ़ाया जाता है और बच्चियों को प्रोफेशनल एजुकेशनल देने का एक बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रेंड है मैं तालीम के खिलाफ नहीं हूँ मैं ख़ुद डॉक्टर हूँ मैं खुद, खुद गायनोकोलॉजिस्ट हूँ मैं इसके खिलाफ हरगिज़ नहीं हूँ दीन तालीम की तरफ माइल भी करता है कायल भी करता है अगर हम देखें तो गजवा बदर में जब कैदी आए थे आज लोग कहते हैं कि इस्लाम आ जाएगा तो शायद ख़वातन को तालीम नहीं दी जाएगी और कैद कर दिया जाएगा और चादर और चार दीवारी के अंदर पाबंद कर दिया जाएगा ऐसा मामला नहीं है आप ने जब वो बदर के कैदी आए थे तो आपने उसका फिदिया ये मुकर कर दिया था कि एक एक कैदी जो कोई माल नहीं दे सकता कोई सोना चांदी का फिदिया नहीं दे सकते उसकी रिहाई का तरीका ये था कि अगर वो लिखना पढ़ना चाहते है तो दस दस मदीना के लोगों को जब वो लिखना पढ़ना सिखा देगा कि वो पढ़ने लिखने के काबिल हो जाएंगे तो वो उनकी रिहाई का फ़दिया हो जाएगा इस्लाम एजुकेशन के ख़िलाफ़ नहीं है इस्लाम मुसलमान खवतानी की तलीम के ख़िलाफ़ भी नहीं है आपकी जोजा मोहतरमा हज़रत आयशा अल्लाह तआला ने हां आप फरमाते हैं आयशा को तिब सिखाओ आयशा को हिसाब सिखाओ आयशा को इल्मुल लिसाब सिखाओ और यहां तक कुछ रवायत में आता है कि आपने फरमाया कि आयशा को जراحی सिखाओ एक सहाबी हजरत लैला गफारीया रजी अल्लाह तआला ने वो जराही सर्जरी करती भी नजर आती हैं ये खबरती ने इस्लाम जंगों में भी गई غزوات में भी गई इन्होंने मरहम पट्टियां भी की सब कुछ किया ऐसा नहीं है कि इस्लाम इन चीज़ों के ख़िलाफ़ है लेकिन इस्लाम उस औरत की इज्जत आबरू हया, इस्मत, दीन ईमान की हिफाजत के लिए और माशरे को फितना फसाद और बेरा रवी और जिनाकारी और बदकारी के तूफ़ानों से बचाने के लिए छोटी उम्र में और बलू के निकाह का कायल है छोटी उम्र में आज हम निकाह नहीं करते और बच्चियों को पढ़ा रहे हैं पढ़ा रहे हैं स्कूलों में कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में सिर्फ इसलिए भेज रहे हैं कि ये प्रोफेशनल होगी ये कमाऊ बेटी होगी ये कमाऊ बीवी बनेगी तो घर घरस्थी चलेगी और उसके कमाने के बगैर तो घर ही नहीं चलेगा इन आगे जाके मैं इस पर भी जरूरी बात करूँगी और इतनी इतनी बड़ी उम्र की सत्ताईस सत्ताईस आठ अट्ठाईस अट्ठाईस साल की बच्चियां हो जाती हैं और वो प्रोफेशनल होती हैं और वो ओवर कॉन्फिडेंट होती हैं फिर वो किसी को ख़ातर में नहीं लाती फिर उनको कोई पसंद नहीं आता और फिर इतनी बड़ी उम्र की ख़वान को कोई भी पसंद नहीं करता और कोई इनको पसंद कर ले तो ये उनको पसंद नहीं करती और फिर रिश्ते नहीं होते और फिर बालों में चांदी के तार आ जाते हैं और मसाइल बढ़ते चले जाते हैं और फिर लड़कों के निकाह के साथ भी मामला ऐसा ही बड़ी बड़ी उम्र के तीस तीस बत्तीस बत्तीस साल के ऊपर जाके लड़कों के निकाह किए जाते उससे पहले कोई सब छब्बीस पच्चीस साल के बच्चे के निकाह का मामला कोई मशवरा मेरे जैसा अहमद दे भी दे कोई पप्पी कोई चा खा खाला ऐसा मशवरा दे दे तो लोग कहते हैं ये तो अभी अपने कदमों पर खड़ा ही नहीं हुआ अभी तो ये इंडिपेंडेंट ही नहीं है ये तो अपने आप को उठाने के काबिल नहीं ये बीवी का खर्चा कैसे उठाएगा अरे बीवी का खर्चा क्या उठाना है वो दो रोटियां बाप के घर दो सुबह शाम खाती थी, थी तो दो रोटियां आके ससुराल में या शोहर के घर में खा लेगी तो क्या खा लेगी असल में हमारे माशे के आवे के आवे बिगड़ गया वो जो आनी है हमारे माशरे में वो जो ससुर मेके से उठ के जिसने ससुराल में आने जिसने शोहर के घर में आने उसने भी तो दो रोटियां नहीं खानी है ना उसने डिज़ाइनर के जोड़े भी पहनने उसने डिज़ाइनर के हैंड और शूज़ भी लेने हैं उसने पार्लर में भी जाना है उसने बुटीक में भी जाना है उसने डिज़ाइनर के बगैर और उसने पता नहीं कितने बड़े कैरेट के डायमंड्स के बगैर उसने बचना भी नहीं है उसने लेटेस्ट मॉडल का मोबाइल भी अपने हाथ में रखना है तो जब हम अपने ज़िंदगी के लवाजमत को इतना बढ़ा लेते हैं हम इसराफ और रियाकारी की तरफ इतने चले जाते हैं ये ये वो जो आवे का आवा बिगड़ गया जिसकी वजह से हम अपने फितरत के अहकाम और अपने दीन फितरत पर अमल नहीं कर सक रहे कि जी बच्चा जो है वो अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सकता बीवी को क्या खर्चे करेगा बीवी ने इतनी लंबी फरमाइशों की तो लड़ी लेकर आनी है लेकिन आप देखें कि ये फितरत के अहकाम जिनका हम इनकार कर रहे हैं और वही बात है कि जिसकी वजह से मुसीबतें और मुश्किल आती चली जा रही हैं छोटी उम्र में निका की हिकमतें अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से देखें तो अपनी साहबजादी जिनके साथ इतनी मोहब्बत है जिनके साथ इतना ज़्यादा ख्याल है कि नबी वसम उठ जाते थे खड़े होकर हज़र फातमा रज़ी अल्लाह तह इस्तबाल करते थे लेकिन एक छोटी उम्र में बाले होती हैं तो निकाह के पैगाम आने शुरू होते हैं और बिल्कुल छोटी उम्र में अक्सर रवायत में मैंने देखा कि पंद्रह साल की उम्र में निकाह हुआ रजतली रज़ी अल्ला की उम्र जो है वो अठारह साल की थी अगर वो वह घराना खुशहाल रहा तो क्या हमारी बच्चियों के या हमारे घर आने खुशहाल नहीं रहेंगे और जहाँ तक रही तालीम के बच्ची फिर पढ़ेगी कैसे शादी के बाद वन देर इज़ वेल देर इज़ अ वे अगर ख्वाहिश है आरज़ू है लगन है तड़प है तो सब कुछ हासिल हो सकता है और मुझे बताएं क्या वो बच्चियाँ जिनकी शादी नहीं होती क्या सिर्फ वही पढ़ जाती हैं मैंने कितनी ऐसी बच्चियां देखी हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही मंगनियां नहीं हो रही लेकिन घरों में बैठी हैं और तालीम का कोई शौक ही नहीं है और जिनको शौक है वो पढ़ने वाली हैं वो शादियों के बाद भी पढ़ी हैं मैं खुद अगर आपको अपनी मिसाल दूं तो मेरी शादी हुई उसके बाद मैंने हाउस जॉब किया उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की उसके बाद मैंने अपनी स्पेशलाइजेशन की हाँ मुश्किल था घरस्थी के साथ बच्चों के साथ नो डाउट इट वॉज डिफिकल्ट लेकिन दुनिया में क्या आसान है में रख के तो कुछ भी नहीं मिलता और अल्लाह की अतात और कुरान और हदीस की अतात बहुत से जिंदगी के अहमाम में आसान नहीं मुश्किल है पर्दा करना क्या आसान है बताए ना क्या पर्दा करना आसान है सूद को छोड़ना एक शख्स जो कारोबार करते जो फैक्ट्रीज बनाते हैं उसको कह दें कि सूद छोड़ दो क्या सूद छोड़ना अल्लाह की रज़ा के लिए आसान है जब अल्लाह कह देते हर्रम औरबा उस सूद को छोड़ना उस कारोबारी इंडस्ट्रियल को पूछे वो भी बहुत मुश्किल है सुबह नींद तोड़कर सुबह सर्दी की रात में या एयर कंडीशन कमरे में सुबह फजर के वक्त नींद तोड़कर महबूब नींद तोड़कर उठकर फजर की नमाज़ पढ़ना भी मुश्किल है रमज़ान के गर्मियों के महीने में जून जुलाई के महीने में रमज़ान के इतने तवील रोज़े रखना भी मुश्किल है तो अल्लाह की अतात बहुत से अहकाम ऐसे हैं जो नफ्स पर बहुत भारी हैं बहुत ग्राँ हैं लेकिन उसमें हमारी दुनिया और आखिरत दोनों की फलाह है तो लिहाजा हमें इन तमाम अहकाम की हमतों को समझ कर ख़ुद भी अपने आप को कायल करने और अपने इर्द गिर्द लोगों को भी इन चीज़ों की हमतें समझाने की तोफ़ी कता फ़रमाएं बस वह हयात तय्यबा का एक वाक़ है जिसके साथ आज का सेशन तो मैं क्लोज़ करूंगी कि वो बुखारी में वाक़ आता है कि एक ख़ात नबी सल्ला वम की खिदमत में हाजिर हुईं और उन उसने उन खातून ने अपने आप को नबी सल वसलम के लिए निका के लिए हिबा किया ये इजाज़त सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मखसूस तौर पर थी कि ख़ातून अपने आप को हक महर के बग़ैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के लिए पेश कर सकती थी और इसको हिबा की गुंजाइश कहा गया था लेकिन चूंकि वही के ज़रिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का कोई हुक्म नहीं दिया गया था इस खातून के साथ तो आपने उनके हिबा की इस पैगाम को कबूल नहीं किया लेकिन रावी कहते हैं कि महफिल में एक और सहाबी भी थे जिनके अग निकाह में कोई ख़ातून नहीं थी तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस खातून को हिबा करते हुए जब देखा तो उनको ख्याल आया कि ये खातून चुके निकाह की रखती हैं और मुझे भी निकाह की हाजत है तो उन्होंने फौरन ही अल्लाह के रसूल से अपनी निकाह की ख्वाहिश का इजहार किया कि रसूल मेरा निकाह इस खातून के साथ करवा दें आप सलाम ने जो पहली चीज पूछी क्या तुम्हारे पास हक महर के लिए कुछ है तो उन्होंने कहा कि नहीं मेरे पास हक महर के लिए कुछ भी नहीं है इनशाला शरात ने पर मैं आगे बात करूंगी तो आप सल्लल्लाहु सल्हम ने फरमाया कि जाओ अपने घर में जाके तलाश करो तुम्हारे घर में हक महर के लिए कुछ तो होगा वो वापस आए और उन्होंने कहा कि यारसोल्ला सल्हे वसम खुदा की कसम मेरे घर में हक महर के लिए कुछ भी नहीं है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ जाके अपने घर में तलाश करो तुम्हारे घर में लोहे या पीतल की कोई अंगूठी तो होगी यानी इवन दैट कुड हैव बीन सफिशिएंट फॉर अ हक महर वो शख्स वापस आए और उन्होंने कहा कि यार रसोल्ला खुदा की कैसे मेरे घर में लोहे या पीतल की अंगूठी भी नहीं है नाउ जस्ट स्टॉप हेयर एंड थिंक फॉर अ मिनट प्रॉफिट सल वसलम ने इनको जिनके पास ना खाना ना पीना ना बिस्तर ना बोरिया टोटल एंड एब्सोल्यूट इकनॉमिक क्राइसिस है फ़क्र व फाका यहाँ तक कि घर में एक लोहे और पीतल की अंगूठी भी नहीं है आपने उनको ये नहीं कहा कि तुम तो इतने फकरो फाका का शिकार हो तुम तो इतने इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार हो तुमसे अपने लिए तो खाना पीना संभाला नहीं जाता, तो तुम अपनी बीवी को क्या खिलाओ पिलाओगे? तुम क्या शादी करने चले हो लेकिन नहीं अन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है वन के होल अय्यामा अल्लाह का हुक्म है, हुक्म है खुदाबंदी है फरीजा है, दीन है तो बस निकाह होगा और निकाह जो है वो बदकारी से बचाता है जनाकारी से बचाता है इसलिए निकाह होगा और इर्द गिर्द बैठे हुए साहब ने यह भी निका आज का दौर होता आज का माशरा होता तो कहते अरे मुफलिस कंगले फकीर तेरे पास अपने पास संभालने के लिए कपड़े का जोड़ा धेला भी नहीं है तू बीवी बीवी कहां खेलेगा ऐसा ही हाल है ना हमारे माशरे का लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया ना मह, उस महफिल में किसी ने मना किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बरक सवाल किया आपने कहा कि क्या तुम्हें कुरान की कुछ आयात आती हैं तुम्हारे इल्म में हैं उन्होंने फ़रमाया कि हैं आपने फ़रमाया वो जो खातून थी आपने फ़रमाया कि अगर ये शख्स तुम्हें तुम्हारे हक महर के तौर पर कुरान की कुछ आयात सिखा दे यानी उनका इल्म या हिफ्स जो है वो दे तो क्या तुम उसको अपना हक महर बना के उसके हफ्स तुम मुझसे निकाह कर लोगी तो उसने कहा कि हाँ तुम्हारा तो दोनों को इजाज़त ख्वाहिश भी थी और तलब भी थी तो रेडिली निकाह कर लिया और ये हक महर था सो so, हक महर कैन बी एनी थिंग इन शह यह वाक्य शायद फिर मैं आगे शरायत निकाह में भी बात करूँगी तो निकाह हो गया मतलब ये देख लीजिए ना कि इस हालत में भी अपने आप को बदकारी से बचाने के लिए निकाह किया जा रहा है और बस ये याद रख लीजिएगा ये हदीस जहर नशीन कर लीजिए और माशरे में लोगों को भी सुनाएं कि आप सल्हस फरमाए कि तीन लोग ऐसे हैं जिनकी मदद का अल्लाह ने जिम्मा ले लिया है तीन लोग ऐसे हैं जिनकी मदद का अल्लाह सुबहाना तआला ने जिम्मा ले लिया है मुजाहिद फी सबी अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला जान से माल से कलम से जबान से जिस तरह भी जैसे मेरी ये बच्चियां जमीयत की कर रही हैं मुजाहिद फी सभी या मुजाहिदा दोनों ही होंगे इंशाल्लाह ताला मुजाहिद फी सभी फिर आज़ादी से ग़ुलामी से आज़ादी हासिल करने के लिए मकातबत करने वाला ग़ुलाम इंशाल्लाह कभी अल्लाह ने फुर्सत दी तो आपको डिटेल में ये तसव्वुर अपनी सूरह हज़ाब की तफसीर में भी सुनाऊंगी और बताऊंगी और आपसे दावत आपको दूंगी कि जुड़ जाइए हमारे भी सेशंस के साथ जुड़ जाइए बहुत ही कुरान की तफसीर के सेशंस मौजूद हैं हमारे अनसा के प्लेटफॉर्म पर तो इंशाल्लाह वहाँ पर आपको पूरा ही वाद तसमुबी हबल ला जमिया का मौका बहुत ही बगैर किसी फ़िरका वारियत के आपको वहाँ कुरान सीखने का इंशाल्लाह ज़रूर मौका भी मिल जाएगा फिर तीसरा शख्स जिसकी मदद का आप सल्ह ने फरमाया कि अल्लाह ने जिम्मा लिया है बदकारी से बचने के लिए निकाह करने वाला कि जिसके पास माल नहीं है कोई इकोनॉमिक हालात नहीं है कोई ऐसे असबाब वसाइल रिसोर्स नहीं है लेकिन वो सिर्फ इसलिए वो लड़की या लड़का निकाह कर लेता है कि अगर निकाह नहीं किया तो शायद निगाहों के जबान के किसी शक्ल में किसी किस्म के ज़िनाकारी के मरतकब हो जाएंगे तो अपने आप को बदकारी और जिनाकारी से बचाने के लिए अल्लाह पर तो्क्ल और कनात करके कि अल्लाह मदद करेगा ना रस्ते निकालेगा मैं अल्लाह की अताात के लिए कर रहा हूँ तो बस अल्लाह सुबहाना ताल उसकी मदद का ज़िम्मा लेता है अल्लाह सुबहाना ताली हमें तो कनात अता फरमाए और, और अल्लाह के अहकाम की हमतों पर ब्लाइंड फेथ और ईमान अता फरमाए और हमें अहकाम शरिया पर عمل کرنے اور ان کو اپنی زندگی میں کرنے والا خوش نصیب بنائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمہ إنك انت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرک ونتوب الیک سبحان ربك رب العزت عما یسفون وسلام علی المرسلين والحمد لله رب العالمین आमीन सुब आमीन हाँ जी इंशाल्लाह अब अगली नशस्तों में मैं आ, निकाह की जो शराइ हैं उन पर बात करूँगी और